हर ऑर्गेनिज्म के पास अपना जेनेटिक मटेरियल होता है आरएनए या डीएनए के फॉर्म में, ताकि वो अपने आने वाली जनरेशन को अपनी इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर कर सके। इस तरह स्पीसीज इस धरती पे अपने जनरेशन को कंटिन्यू कर पाती है, पर सिर्फ डीएनए काफी नहीं है इस इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफर करने के लिए। और कभी आपने सोचा कि कैसे 6 फीट लॉन्ग ह्यूमन डीएनए एक छोटे से न्यूक्लियस में फिट होता है? सो दोस्तों, इमेजिन कीजिए आपके पास 100 मीटर लंबी एक रस्सी है जिसको आपसे कहा जाए कि 1 मीटर स्पेस में फिट करो। तो आपने मार्केट से 25 बॉल खरीदी और उस 100 मीटर पतली सी रस्सी को उस 25 बॉल में आप लपेटते गए और हर बॉल के बीच में छोटा छोटा डिस्टेंस छोड़ते गए। तो इसी तरह हमारा नेगेटिव चार्ज डीएनए वाइंड होता है बहुत सारे राउंड शेप्ड स्ट्रक्चर से। अब ये राउंड शेप्ड स्ट्रक्चर को कहते हैं हिस्टोन ऑक्टोपर, जो कि बने होते हैं H1, H2A, H2B, H3, H4 हिस्टोन प्रोटीन से मिलके। हिस्टोन प्रोटीन पॉजिटिव चार्ज होते हैं जिस वजह से वो आराम से होल्ड कर देते हैं नेगेटिव चार्ज डीएनए को, और डीएनए और हिस्टोन ऑक्टोपर साथ मिलकर एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं जिसको न्यूक्लियोसोम कहते हैं। काफी फंडामेंटल यूनिट है क्रोमेटिन की। अभी क्रोमेटिन क्या है? क्रोमेटिन एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है जो कि बना होता है डीएनए और बहुत सारे हिस्टोन प्रोटीन से मिलके। वैसे इस क्रोमेटिन स्ट्रक्चर में नॉन हिस्टोन प्रोटीन भी होते हैं और आरएनए भी, पर ये काफी कम अमाउंट में होते हैं। नॉन हिस्टोन प्रोटीन एसिडिक होते हैं और हिस्टोन प्रोटीन बेसिक इन नेचर होते हैं। अगर हम माइक्रोस्कोप पे डीएनए को देखेंगे तो जो क्रोमेटिन स्ट्रक्चर होता है वो मोतियों जैसा दिखेगा, क्योंकि जो राउंड राउंड शेप के स्ट्रक्चर होते हैं यही न्यूक्लियोसोम होते हैं। ह्यूमन क्रोमेटिन में 3 करोड़ न्यूक्लियोसोम होते हैं और जो दो न्यूक्लियोसोम के बीच में जो डीएनए होता है उसे लिंकर डीएनए कहते हैं, क्योंकि वो दो न्यूक्लियोसोम को जोड़ता है। बैक्टीरिया के पास हिस्टोन प्रोटीन नहीं होते, उनके जगह कोई और प्रोटीन होते हैं जो कि उनके डीएनए को वाइंड करते हैं। अभी हिस्टोन प्रोटीन डीएनए को छोटे से स्पेस में फिट करने के अलावा भी और भी फंक्शन करता है, जैसे कि ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस को कंट्रोल और रेगुलेट करना। ट्रांसक्रिप्शन वो प्रोसेस होता है जिसमें डीएनए का एक सेगमेंट को आरएनए में कन्वर्ट किया जाता है और यह आरएनए प्रोटीन बनाता है, और जीन को ऑन और ऑफ करने में हिस्टोन प्रोटीन काफी बड़ा रोल प्ले करता है। पर यह क्रोमेटिन हमेशा सेल के न्यूक्लियस में क्रोमेटिन की तरह एग्जिस्ट नहीं करता, बल्कि और ज्यादा कंडेंस हो जाता है जब सेल डिवाइड होता है। जब क्रोमेटिन काफी कंडेंस हो जाता है तब क्रोमोसोम फॉर्म होता है। सेल डिवीजन से पहले डीएनए रेप्लिकेट होता है, क्योंकि हमारे पास 46 क्रोमोसोम है जो कि 23 मदर से मिले हैं और 23 फादर से मिले हैं। ये क्रोमोसोम नंबर डिफरेंट हो सकते हैं डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में, डिपेंड करता है उनका डीएनए का साइज क्या है, क्योंकि डीएनए को इक्वल अमाउंट में दोनों सेल में ट्रांसफर करना पड़ता है, तो इसीलिए क्रोमेटिन सुपर कंडेंस हो जाता है जो कि क्रोमोसोम फॉर्म करता है। तो क्रोमोसोम कंडेंस फॉर्म है क्रोमेटिन का। रेप्लिकेशन के बाद हर एक क्रोमोसोम की एक एक्स्ट्रा कॉपी बन जाती है जो कि एक सेंट्रोमेयर से दोनों कॉपी अटैच होती है। सेल डिवीजन में एक स्टेज होती है जिसको मेटाफेज कहते हैं। इस स्टेज में क्रोमोसोम सबसे ज्यादा विजिबल होते हैं और इस स्टेज में ही जो सारे क्रोमोसोम्स होते हैं वो एक प्लेन में अलाइन हो जाते हैं और उसके बाद दोनों सेल में इक्वल अमाउंट ऑफ क्रोमोसोम डिवाइड हो जाते हैं। इस तरह डीएनए को एक सेल से दूसरे सेल में ट्रांसफर किया जाता है। दो तरह की सेल साइकिल होती है, माइटोसिस और मियोसिस। सोमाटिक सेल्स माइटोसिस करते हैं, गैमेट सेल्स होते हैं उनमें मियोसिस होती है। जो पीछे वीडियो मैंने आपको बताया वो माइटोसिस थी। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।